हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन शॉपिंग। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ अपना सेकंड पर्पल हॉल शेयर करूंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पर्पल हॉल शेयर किया था, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। मैंने purple.com से सेकंड बार कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं, यू कैन सी। तो आज मैं आपके साथ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्टेड। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो मुझे सारे प्रोडक्ट कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में डिलीवर हुए हैं। मैंने ये बॉक्स ऊपर से ओपन कर दिया क्योंकि मुझे देखना था कि मेरे सारे प्रोडक्ट सही आए हैं कि नहीं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगा। तो फ्रेंड, मेरा पहला प्रोडक्ट है वो है ये फेस पैक है। ये वयम आयुर्वेदा ब्रांड का एक्ने कंट्रोल फेस पैक है। मैंने इस ब्रांड के बारे में काफी सुना और मुझे एक्ने एंड पिंपल की भी प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करूं, क्योंकि वयम आयुर्वेदा एक प्योर हर्बल एंड आयुर्वेदिक ब्रांड है। ये अपने प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल नहीं मिलाते हैं। आप यहाँ पे इनके देख भी सकते, इन्होंने लिखा है इसमें क्या क्या मिलाया, इन्होंने इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है। तो मैंने सोचा एक बार इस पैक को ट्राई करना तो बनता है, सो मैंने इसे मंगवाया। अब देखते हैं ये मेरे स्किन पे कैसा वर्क। मैं इस फेस पैक का रिव्यू आपके साथ जरूर ही अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी कि ये मेरे स्किन पे कैसा वर्क करता है, ये मेरे एक्ने एंड पिंपल को ठीक करता है कि नहीं। वैसे भैया आयुर्वेदा काफी अच्छा ब्रांड है और ये प्योर हर्बल एंड आयुर्वेदिक ब्रांड है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो चलो देखते हैं मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है एक नीम पाउडर, एलेक्स गुडनेस का नीम पाउडर। वैसे तो मैं गुड वाइब्स का नीम पाउडर देख रही थी पर वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, तो मैंने ये नीम पाउडर लिया। इसके साथ मैं कुछ DIY बनाने वाली हूँ। नीम पाउडर आपके एक्ने एंड पिंपल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो साथ ही आपके हेयर के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, सो मैंने नीम पाउडर। नाउ जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है वो है बायोटिक का बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालय बॉर्डर। ये टोनर तो मेरे पास पहले से भी था पर वो मेरा खत्म होने वाला था, इसलिए मैंने ये दूसरा मंगवाया। इस टोनर पे मैंने रिव्यू डाला हुआ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लेना। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट टोनर है और ये मेरी स्किन पे बहुत ही सूट भी करता है, इसलिए मैंने ये टोनर दोबारा मंगवा लिया। नाउ मेरा जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है एक प्राइमर। फ्रेंड्स, मेरे पास कोई भी प्राइमर नहीं था, मैं हमेशा एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन को ही एज अ प्राइमर यूज करती थी। तो प्राइमर काफी कॉस्टली भी आते आप सब जानते हो, तो मैंने ये एनवाइवे का प्राइमर मंगवाया। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल तो नहीं है पर एज कम्पेयर टू अदर प्राइमर ये अफोर्डेबल है। इसकी MRP 225 है एंड purple.com पर ये मुझे ऑफर में मिली थी, मुझे याद नहीं कितने में मिली थी पर डिस्काउंट पे ही मिली थी, तो मैंने इसे मंगवाया। पर ये कैसा वर्क करता है ये तो अभी से यूज करने के बाद ही पता। सो अब मेरे पास आया है ये है वेट एंड वाइल्ड का लिप ग्लॉस। मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। इसकी एमआरपी 199 है पर ये मुझे डिस्काउंट पे ही मिली होगी purple.com पे, मुझे याद नहीं है। मैं इस सारे प्राइस और इसके सारे प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। इसकी क्वांटिटी 5.4 ग्राम है। मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। गाइज, मेरे पास इस कलर का कोई भी मतलब लिप ग्लॉस या लिपस्टिक कुछ भी नहीं था, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था इसलिए मैंने इसे मंगवाया। चलिए देखते इसका पिगमेंटेशन कैसा है। वेट एंड वाइल्ड काफी अच्छा ब्रांड है और ये मुझे इसकी प्राइस 199 थी पर ये मुझे आई थिंक डिस्काउंट पे भी मिला है। मैं ये लोग सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, जैसे वनीला आइसक्रीम या किसी आइसक्रीम फ्लेवर की स्मेल आ रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका पिगमेंटेशन कैसा है, मैं अपने इसी हैंड पे लगा के दिखाती हूँ आपको। ओ, यू कैन सी, अब देख सकते हो कितना साइनी है इसका कलर, पिच थोड़े से ऑरेंजी एंड पिच टोन में। इसमें आपको ग्लिटर के पार्टिकल भी मिल जाएंगे, तो ये लिप ग्लॉस की तरह बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आपको लिपस्टिक भी नहीं लगा तो सिर्फ लिप लाइनर लगा के इसे भी लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपकी लिप पे, देख लो आप। सो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, मेरे पास कोई लिप ग्लॉस नहीं था तो मैंने इसे मंगाया, और वेट एंड वाइल्ड काफी अच्छा भी ब्रांड है। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट, और ये है एक नेल पेंट रिमूवर। मेरा पास लैक्मे का नेल पेंट रिमूवर था और वो खत्म हो गया था, तो मुझे कोई नेल पेंट रिमूवर लेना था और ये एनवाइवे का है। ये काफी मतलब लैक्मे के कंपेयर में काफी अफोर्डेबल था, लैक्मे का आई थिंक 85-90 में आता है एंड ये 49 में था, तो मैंने इसे मंगवा लिया।
एनवाइवेयर के सारे प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल आते हैं, तो मैंने एनवाइवेयर का प्राइमर भी मंगाया। आप देख सकते हो ये भी काफी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर प्राइमर, और ये नेल पॉइंट रिमूवर भी काफी अफोर्डेबल है। पर देखते हैं ये अच्छा वर्क करता है कि नहीं। अभी आप देख सकते हो मेरे नेल पेंट लगे हुए हैं, तो इसे रिमूव करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने इसमें होल कर दिया है, अब मैं देखती हूँ कि कैसा वर्क करता है। मैंने थोड़ा सा ले लिया और इस नेल पे मैं लगाती हूँ। OMG, इसने काफी अच्छे से नेल पेंट को मेरे रिमूव कर दिया। जैसे लैक्मे का वर्क करता है सेम वैसे ही, मतलब ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। यू कैन सी कितने अच्छे से रिमूव कर दिया इसने एक ही स्ट्रोक में, एक ही स्वैप में। आप देख सकते हो कितने अच्छे से रिमूव कर दिया इसने मेरे सारे नेल पेंट को। तो ये प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है, मुझे काफी पसंद आया, काफी अफोर्डेबल भी है। नेल पेंट रिमूवर की स्मेल भी काफी अच्छी है, मतलब एक अलग सी स्मेल आ रही है इसमें जो मुझे काफी पसंद आई। तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से आपके नेल पेंट को रिमूव भी कर देता है और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। सो गाइज, ये प्रोडक्ट का तो रिव्यू मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। इसे भी मैंने आपको अभी दिखा दिया कि कितना अच्छा वर्क करता है, आपके नेल पेंट को एक ही स्वैप में रिमूव कर देता है। और इस लिप ग्लास को भी मैंने आपका पिगमेंटेशन दिखा दिया। बाकी बचे मेरे 3 प्रोडक्ट, मैंने टोटल 6 प्रोडक्ट मंगवाए थे, बाकी बचे मेरे 3 प्रोडक्ट। तो ये तीनों प्रोडक्ट को मैंने कभी भी यूज नहीं किया, तो ये तीनों प्रोडक्ट मेरे स्किन पर कैसे वर्क करते हैं, ये अच्छा है कि नहीं, आप इसे परचेज कर सकते हो या नहीं, वो सब मैं आपको इसे यूज करने के बाद अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। तो वो वीडियो भी जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।